प्रातः क्लास चल रहा था, तीन ग्यारह 1966 गुरुवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सारा पार्ट तुम्हारा मुदा हुआ है कि नई दुनिया में जाकर के हम मकान कैसे बनाएंगे, वो भी तुम्हारा पार्ट है, कैसे रहेंगे और कैसे राजाई करेंगे। वो तो जैसे ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया चलती है, वो नई दुनिया वो भी चलेगी। ये तो है पुरानी दुनिया, वहां निर्विकारी देवी देवताएं और यहां विकारी असुर। और वो कोई बीच का तो सुने है ना सब, जो नहीं सुना वो सुना कि सतयुग में ये सब होता है, त्रेता में ये होता है, परंतु ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नई बातें शास्त्रों में है नहीं, कुछ भी नहीं है। भक्ति भी की ये तो जानते हो ना, भक्ति की ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, जब भक्ति रूपी अंधेरा पूरा हुआ तो दिन रूपी सोजरा तो जरूर होना है ना बच्ची, सत्ययुग जरूर होना है ना। तो शास्त्रों में गाते भी ठीक है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये भी बिल्कुल सहज है कि ब्रह्मा का नाम लेना है, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई। विष्णु का तो नाम लेना नहीं है, वो तो नाम का अर्थ ही है नो विषय टाल। तो सारी दुनिया में निर्विषय दुनिया हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्योंकि ब्रह्मा संपूर्ण बनता है तो विष्णु, और दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा अपूर्ण है तो ब्रह्मा की रात। वो कहेंगे विष्णु का दिन, बाकी विष्णु की रात तो होती ही नहीं है। तो बात तो एक ही हो जाती है, क्योंकि ये गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, समझाया जाता है। ऐसा कोई दूसरा समझा सकेगा? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों के संस्कार मिलकर के सात्विक बनते हैं तो विष्णु, इसलिए बाबा रात को कहते थे ना, शंकर के बदली में सरस्वती होती तो बिल्कुल संपल हो जाता कि भाई ये ब्रह्मा सरस्वती ही दोनों मिलकर के विष्णु बनते हैं।
84 जन्म के बाद फिर ये बनते हैं जो यहाँ तपस्या करते हैं। अभी संगम में यहाँ तपस्या तो करनी होती है ना। कौन सी तपस्या? राजयोग की तपस्या। यहां इंद्रियों का भोग तो नहीं होना चाहिए, ये तो राजयोग है। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कोई तपस्या वपस्या होती नहीं है, यज्ञ वगैरह भी यहां रचे जाते हैं और बाप समझाते भी हैं कि बच्चे ये तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ तो अंतिम यज्ञ है, और मनुष्यों के द्वारा रचे हुए यज्ञ तो होते ही रहते हैं, परंतु उन यज्ञों में कोई पूरी दुनिया की स्वाहा आहुति नहीं डाली जाती है, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी दुनिया की आहुति डाली जाती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि शंकर की आखिरी आहुति होती है, बाकी सतयुग त्रेता में तो कोई किस्म का यज्ञ नहीं रचा जाता है, और यहां भक्ति मार्ग की दुनिया में तो अनेक प्रकार के यज्ञ रचे जाते हैं। देखो ये बरसात न हुई तो यज्ञ रचेंगे, ये धरती वरती अगर डोलायमान हो गई तो भी यज्ञ रचेंगे, तो शांति करें, धरती भी शांति करे, कोई तत्व दुख न देवे, दुख न मिले, दुख टल जाए, उसके लिए यज्ञ रचते हैं। अभी देखो ये भगवान आकर के सबसे बड़ा यज्ञ रचते हैं, उन यज्ञों में तो अल्पकाल के यज्ञ हैं, अल्पकाल के लिए अशांति टल जाती है, दुख टल जाता है, और ये यज्ञ तो बड़ा यज्ञ है, सब प्रकार के दुख टल जाते हैं 2000 वर्ष के लिए। इस यज्ञ से, इस ज्ञान यज्ञ से सृष्टि भर में दुख का नाम निशान बिल्कुल नहीं रहता, तो इसी को ही, इसका ही ये नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। सो भी कौन सा रुद्र ज्ञान यज्ञ? राजस्व रुद्र अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। राजस्व स्व की राजाई प्राप्त करने के लिए, कब प्राप्त होगी? कहते हैं मन जीते जगत जीते, ये मन रूपी घोड़ा है, इसे अश्व भी कहते हैं, तो अश्वमेध ये नर मन रूपी घोड़ा को स्वाहा करना है। ऐसा करते हैं तो ये यज्ञ और इसकी प्राप्ति अविनाशी हो जाती है, इसलिए नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये अविनाशी रुद्र है,
ऐसा रौद्र रूप धारण करता है जो सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। परंतु वो खुद खलास नहीं होता है, इसलिए अविनाशी रुद्र। तो उसका रचा हुआ ये यज्ञ भी अविनाशी यज्ञ है, जिसमें सब खत्म हो जाएंगे। बाद में फिर 2,500 वर्ष तक, 2 युगों तक कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाएगा। तो इस हिसाब से तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। वैसे सब प्रकार की यज्ञ भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म। तो कितना बच्चों को समझाते हैं, कि बाप आए हैं, ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ संपन्न कराने के लिए बताते हैं। ये एक ही यज्ञ सेवा है, जिसमें अपना तन मन धन सफल कर लो। अभी तो मंडप बना करके समझाया है, ये बच्चा देख करके आया और कल भी मालूम पड़ेगा। आज माता जी आती है, वो भी बताएंगे मंडप के बारे में, क्योंकि ये तो आंखों से देख करके आए हैं ना। 3/11/66 की वाणी का 5वां पेज। कैसे अच्छा मंडप बनाया, कितना बड़ा बनाया, ये बच्चे समझा ही सकते हैं। परंतु फिर भी इनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है जो बेचारा समझा ही नहीं सकता है, पूरा नहीं समझा सकता है। नहीं तो बाबा सब पूछे कि कैसे, तुमको कैसे पसंद आया। अभी आएंगी माता आकर के सुनाएंगे, तो बाबा फिर क्या कहेंगे, अच्छा अगर ऐसा है, मंडप से ही ये होते हैं, चलो वो मंडप तो बनाते हैं कपड़े का, वाटरप्रूफ का बनाते हैं, ऐसे ऐसे सर्कस बहुत आते हैं, बाहर से आते हैं, उनमें बरसात पड़े तो भी कोई हर्जा नहीं रहता है। तो क्या ऐसा मंडप बनाने में कोई देरी है क्या? मंडप बनाए देंगे। ये जो हैरान होते जाते हैं, भटकते हैं, हाल लेने के लिए कितना भटकते हैं, तो चलो हम अपना मंडप बनाए देते हैं। क्या है, 2-3 हजार रुपया खर्च खाएगा और क्या खाएगा, जास्ती क्या खाएगा। कोई ने कहा नहीं बाबा, हाँ 2-3 हजार का मंडप,
बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन सकता है। अब ये हद के मंडप की बात है या बेहद के मंडप की बात है? बेहद का क्या मंडप? भागवत में एक कथा आती है, इंद्र ने बड़ी जोरों से बरसात बरसाई, पत्थर पड़ने लगे, बाढ़ आने लगी, गांव डूबने लगे, तो क्या मंडप बनाया? गोवर्धन पर्वत उठाया। क्या मतलब है? गौ माने भारतीय कन्याएं माताएं, वर्धन माने है बढ़ाना। भारतीय कन्याओं माताओं का ऐसा मंडप बढ़ाना, ऐसी वृद्धि करना जिसको पहाड़ का नाम दे दिया। उस पहाड़ को उन्होंने कनिष्ठा उंगली पर उठाई लिया। क्यों? अंगूठे पे क्यों नहीं उठाया? उससे भी बड़ी उंगली जो बीच वाली होती है उस पे क्यों नहीं उठाया? नहीं, ये तो पांच उंगलियां हैं, पांच पांडवों की सूचक, अंगूठा है युधिष्ठिर का सूचक। जो बड़ी उंगली है वो भीमसेन की सूचक है। तो बताया, इन बड़े बड़े ब्राह्मणों को निमित्त नहीं बनाया, ऐसा बड़ा मंडप बनाने के लिए किसको बनाया? अंगुष्ठी अंगुष्ठा का वो कनिष्ठा उंगली को। क्यों है? हाँ, ये पांच धर्मों से कनेक्टेड हैं पांच पांडव। सूर्यवंशी, क्षत्रियवंशी और बौद्धिवंशी, संन्यास वंशी और सिख सहदेव। तो सहदेव नाम क्यों पड़ा? है सदैव उन्होंने देवताओं को सहयोग दिया, न इस्लाम धर्म को सहयोग दिया, न क्रिश्चियन धर्म को सहयोग दिया, न बौद्धियों को सहयोग दिया, कोई भी धर्म को सहयोग नहीं दिया। विदेशी धर्म को किसको सहयोग दिया? देवी देवताओं के धर्म को सहयोग दिया। जो राम कृष्ण को मानने वाले हैं, देवियों को भी मानने वाले हैं, तो ऐसे सिख धर्म की कोई तो कन्या माता रूपी आधार होगा ना, जिसको निमित्त बनाया है जगदम्बा। कहते हैं सारा गोकुल का परिवार उस मंडप के नीचे सुरक्षा को पा गया। उस छोटी सी अंगुली को निमित्त बनाया, नहीं तो वंडर लगता है, इतनी छोटी सी अंगुली उस पर पहाड़ कैसे उठाएगा कोई? तो नाम रख दिया है गोवर्धन पहाड़।
दो तीन हजार का कैसे बन जाएगा है? वो मंडप दो तीन हजार का कैसे बनेगा? सोलह हजार गिनती दी होती तो भी माना जाता। अरे सोलह हजार भी गिनती कैसे देंगे? आठ ही धर्म तो हैं आस्तिक, वो भी नंबरवार। उनमें भी अव्वल नंबर आस्तिक कौन है? सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो ये जो दोनों मिलकर के नई दुनिया तैयार होती है, उनकी विशेष आत्माएं हैं, सहयोगी आत्माएं। सहयोगियों को ब्रह्मा की भुजा कहा जाता है। तो सूर्यवंशी ब्रह्मा और चंद्रवंशी ब्रह्मा, जिस चंद्रमा की गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं, परंतु खास पालना लेती हैं चंद्रवंश की आत्माएं। तो 1000 सूर्यवंशी भुजाएं और 1000 चंद्रवंशी भुजाएं दोनों मिलकर के 2000 का खर्चा है। तो हम अपना मंडप बनाए देते हैं क्या? अपना शब्द क्यों लगाया है? ये देवी देवता सनातन धर्म का जो असली फाउंडेशन है वो ये मंडप है। हम जास्ती पैसा खर्च क्यों करें? बस ऐसे एक दो मंडप बनाई देवे, जास्ती से जास्ती तीन। एक कलकत्ते की डिवीजन हो, एक दिल्ली की डिवीजन हो और एक बॉम्बे की डिवीजन हो। स्थापना, पालना और विनाश। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। हर हर बम बम के नाम पर बसाई हुई बंबई नगरी। तो एक दिल्ली डिवीजन, एक बॉम्बे डिवीजन और तीसरा जहां से आवाज निकलनी है, सारी दुनिया में आवाज फैलेगी कि बेहद का बाप भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। और सारी दुनिया का कलह क्लेश कट्टा हो जाएगा। नाम पड़ा कलकत्ता। तो देखो ऐसे तीन प्रकार के मंडप बना करके सबको दे देवे। तीन मंडप बताए कौन कौन से? एक स्थापनाकारी कलकत्ता, एक विनाशकारी बंबई, और कल और स्थापना का संपन्न रूप क्या हुआ? पालना। बंबई में पालना होगी ना? होगी नहीं? कलकत्ते में होगी। कहाँ होगी? जमुना के कंठे पर। दिल्ली में पालना होनी है। दिल्ली सारे जगत की माता है। इस माता की गोद में
सब धर्मों ने आकर के राज्य किया है और मनमाने तरीके से राज्य किया है। नादिर शाह जैसो ने आकर के खून की नदियां बहाई है, इसी गोदी में पला है पाला बिली। तो दिल्ली सबका दिल है, ये तीन मंडप बताए, ये चैतन्य है या जड़ मंडप है कपड़े के? जैसे झंडा कपड़े का बनाते हैं, उन कपड़े का झंडा बनाने वालों से पूछो जो गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, उनसे पूछो। अरे दुनिया में कपड़ों के झंडे से कोई ने विश्व विजय की है क्या? हमारे शास्त्रों में कपड़े का अर्थ बताया, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है। एक कपड़े को छोड़ करके आत्मा दूसरे दूसरे नए वस्त्र धारण करती है 84 जन्मों में। तो ये भारत का प्रसिद्ध विश्व विजय प्राप्त कराने वाला धंधा है तीन कपड़ों का, हरा, श्वेत और क्रांतिकारी रंग केसरिया रंग। ये तीन प्रकार के मंडप हैं जिनकी शरण में है सारा विश्व, जिनकी शरण में आकर के विश्व की कोई भी धर्म की आत्माएं शरण ले सकती है। जैसे कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष की तीन प्रकार की शाखाएं, एक शाखा ऐसी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक ऊर्ध्व रहता है या नीचे जाती है? ऊर्ध्व रहता है। एक शाखा ऐसी है जो दाईं ओर की ओर जाती है, भारतीय ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने वाली, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म आदि। और तीसरी शाखा ऐसी है जो भारतीयता को ठोकर मार करके सारी दुनिया में विदेशी संस्कृति फैला देती है, राक्षसी संस्कृति, आक्रामक संस्कृति। तो तीन प्रकार की डालियां बन जाती है, जो दाईं ओर की डालियां हैं वो भारतीय धर्मों की है, जो बाईं ओर की डालियां हैं विदेशी धर्मों की, और जो तना है सीधा जाता है ऊपर वो शुद्ध भारतीय धर्म सूर्यवंशी धर्म को हो। तो बताया ये तीन मंडप में सारी दुनिया की सभी धर्म की आत्माएं शरण लेती है, सबको दे देना चाहिए। और जहां चाहे जिस देश में चाहे वहां अपनाए, अपना बनाती रहो करती रहो। अच्छा, गांव में जाकर के ये करना है? ये सबसे छोटी प्रदर्शनी है क्या? त्रिमूर्ति
तीन मंडप की, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की त्रिमूर्ति। चलो हम छोटा भी मंडप बना देते हैं, समझा है ना, उसे बनाने में तो कोई हर्जा नहीं है, बिल्कुल ही हर्जा नहीं। और प्रदर्शनी तो दिन में ही की जाती है, और अगर अगरबत्ती ना हो तो बस दिन में ही टाइम रख देंगे गांवरे में, रात का प्रोग्राम नहीं रखेंगे, वो तो प्रोजेक्टर की दरकार है जो रात में दिखाया जाता है, उसमें तो चैतन्य चित्र होते हैं या चलचित्र होते हैं, जड़ चित्र होते हैं, चलचित्र होते हैं, प्रोजेक्टर में चित्र जड़ होते हैं, हिलते डुलते नहीं। तो देखो रात्रि में प्रदर्शनी करने में तो तकलीफ होती है, और दिन में प्रदर्शनी करने में कोई तकलीफ, छोटा गांवड़ा हो, मीडियम टाउन हो, कस्बा हो, बड़ा शहर हो, कहीं भी ले जा करके ये त्रिमूर्ति की छोटी प्रदर्शनी थोड़े लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। तो देखो दिन में भी दिखला सकते हैं, अंधियारा करके भी दिखला सकते हैं, क्या प्रोजेक्टर नहीं, प्रोजेक्टर तो रात में ही दिखला सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनी छोटा सा चित्र है त्रिमूर्ति का, सबसे छोटे से छोटा क्या है चित्र, त्रिमूर्ति का सबसे छोटे से छोटा चित्र क्या है, बैज, बाबा ने कहा पॉकेट में डाल दो, बाबा बेहद की भाषा बोलते हैं या हद की, तो कौन सी पॉकेट में डाल दो, बुध रूपी पॉकेट में ये छोटा सा चित्र डाल दो, इसका विस्तार कहीं भी ले जा करके समझाते रहो, बड़े शहर में छोटे गांव में, तो अपना अपना सामान हो, अपनी गवर्नमेंट अपना सामान, कोई किसी से लोन लेने की दरकार है ही नहीं। तो एक मंडप भी बना देते हैं, इसे बनाने में कोई बड़ा भारी खर्चा तो है ही नहीं, इस प्रदर्शनी के लिए हम क्यों बड़ी भारी बिल्डिंग बनाते रहे, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हैं ना, तो बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है ना कई कमरों की, तो क्या दरकार है। तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बच्ची हेलो बच्ची, दिल्ली बच्ची, कोई दिल्ली से आई हुई बहन है, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वहां राजकुमार अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बहुत सेंसिबल बच्चा है, कौन राजकुमार भाई, कौन है, है? कोई देहधारी है या आत्माभिमानी बच्चा है, बाबा तो जरूर आत्माभिमानी बच्चे के लिए कहेंगे, तो वेद की भाषा में 500 करोड़ पत्तों में जो झाड़ के 500-700 करोड़ पत्ते हैं उनमें
सबसे जास्ती आत्माभिमानी बच्चा पत्ता कौन सा हुआ है? राम बाबू। 500 करोड़ 700 करोड़ पत्तों के बीच में हाँ, बहुत सेंसिबल बच्चा है। क्या नाम है? कौन से राजा का कुमार? बड़े से बड़े दुनिया का जो राजा है, विश्व का मालिक है, उसका राजकुमार। चित्र में भी देखो छपा हुआ है। कौन से चित्र में? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या छपा हुआ है? महाराज कुमार श्री कृष्ण। तो राजकुमार है ना, तो देखो बहुत सेंसिबल है वो बच्चों से। ये बच्चा, तुम बच्चों का नाम नहीं लिया, बहुत सेंसिबल है वो बच्चों से। ये बच्चा बाजू वाला, वो बच्चे कौन जो और धर्म के हैं, इन गहरी बातों को समझते ही नहीं। ब्राह्मण की दुनिया में और धर्म के बच्चे हैं या नहीं है? हैं? हाँ, 16,000 भुजाओं में 2,000 भुजाएं हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, बाकी तो सब और धर्मों से आई हुई है कन्वर्ट होकर के। इस आखिरी जन्म में तो बताया, और वो बच्चों के मुकाबले, माना दूसरे धर्म के बच्चों के मुकाबले, वो बच्चा बहुत सेंसिबल है। वो बच्चों से क्या कहा? वो बच्चों से। और तुम बच्चों से बहुत सेंसिबल है या नहीं है? है? तुम बच्चों के मुकाबले क्यों नहीं कहा? वो बच्चों से बहुत सेंसिबल है, तुम बच्चों के मुकाबले? हम लोग बाप को पहचान लिया और तो हम तुम बच्चों के मुकाबले वो बहुत सेंसिबल है या नहीं है? क्यों? हाँ, इतने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, अभी तक बाप को ही नहीं पहचाना। भगवान बाप को पहचाना ही नहीं। गीता के भगवान बाप गीता पति भगवान को आज तक भी नहीं पहचाना, और तुम बच्चों ने पहचान लिया। तो वो बच्चों के मुकाबले तो बहुत सेंसिबल है, लेकिन तुम बच्चों के मुकाबले नहीं बोला। पढ़ा लिखा भी है क्या? पढ़ा लिखा भी है, जो पढ़ा है वो दुनिया भी ज्ञान पढ़ा है या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी है? ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुनाया है। तो वो टेंस कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, ये सारी बात जानता है। कौन सा बच्चा? राजकुमार बच्चा। वो टेंस कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं बताओ, कहां बनते हैं? दिल्ली कलकत्ता बंबई में बनते हैं। वो तो बांटने के लिए बोला, इन तीन शहरों में बनाकर बांट देना चाहिए, सब के लिए हो जाएंगे। लेकिन बनते कहां हैं? माउंट आबू में बनते हैं। ये तीन मूर्तियों रूपी मंडप ये माउंट आबू में बनते हैं। है? जहां बनते हैं
तो जहाँ बनते होंगे पहले बुद्ध रूपी पेट में बनते होंगे या कागज पे बनते होंगे या प्रैक्टिकल में बनते होंगे, तो कहाँ बनते हैं? अरे इन तीन मूर्तियों की पहचान कहाँ मिलती है बुद्धि को? कौन से मधुबन में? माउंट आबू मिलती है? हाँ माउंट आबू में मिलती है, लेकिन सिर्फ इतना मिलती है कि वो भी एक आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, तीन आत्माएं हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। लेकिन इस दुनिया में वो तीन कौन सी आत्माएं हैं जिनकी छत छाया के नीचे सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं छत्र छाया में पलेंगी? वो कहां बनती है? तो पूछा वो टेंट्स कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं? ये राजकुमार बच्चा सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं? तुम बच्चों के लिए क्यों नहीं कहा कि सब जानते हैं? इसलिए नहीं कहा कि शास्त्रों में भी गायन है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां कौन विराजमान हो जाता है? हनुमान विराजमान होता है। तो हनुमान का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा, जो राम भगवान का सबसे जास्ती सहयोगी बनता है। सहयोगी बनता है? जानता ही नहीं राम बाप को तो सहयोगी कैसे बनता है? है नहीं, जब संपन्न बनता है उसे अपनी आत्मा की पहचान होती है कि मैं आत्मा कैसे, कब और किस बाप का बच्चा हूं। ये पहचान अभी है? अभी नहीं। जिस दिन से ये पहचान होती है उस दिन से वो बच्चा अपने बाप का सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या नहीं बनता है? बनता है, सब जानते हैं वो। क्योंकि कि जो भी टेंट्स में रहने वाले होते हैं उन टेंट्स में रहने वालों को खुदा न खास्ता रात हो जाए तो बिजली की दरकार होती है या नहीं होती है? बिजली माने रोशनी, रोशनी की दरकार होती है ना। तो ये बिजली उनको जाकर के मुहैया कराते हैं। जो टेंट्स वाले होते हैं वो बिजली का भी प्रबंध करते हैं ना, है? करते हैं कि बिजली वाले अलग से बुलाए जाते हैं? टेंट्स वाले तो बहुत बहुत मशहूर होंगे, उनकी काहे की दुकान होती है? है टेंट बनाने की दुकान होती है। जो मंडप लगाए हुए इनको अप्रोच करते होंगे कि भाई बिजली भी चाहिए इसमें, तो बिजली के बारे में वाकिफ भी होंगे। कौन? टेंट्स वाले। दिल्ली बड़ा बहुत शहर बड़ा है, वहां सब कुछ है। क्या वहां टेंट्स वाले भी हैं? और छोटे मोटे शहरों में टेंट्स वालों की दुकान हो या ना हो, लेकिन दिल्ली तो बड़ा शहर है। मंडप अच्छा एकदम रेन प्रूफ। क्या
अच्छा सा मंडप रेन प्रूफ। कैसा रेन प्रूफ? सिर्फ बारिश ही नहीं, साधारण पत्थरों की बारिश भी हो जाए तो भी उसमें कोई असर रस असर नहीं पड़ेगा। जो उसमें पानी पड़े तो भी कोई हर्जा न रहे, कैसा भी मूसलाधार पानी पड़े। जब षष्ठी का अंत होगा तो मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी? होगी। पत्थर भी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। तो इस मंडप में ऐसा प्रूफ प्रूफनेस वातावरण होगा जो बैठने वालों को न बरसात का अनुभव, न बाढ़ का अनुभव और न पत्थरों का अनुभव होगा। ऐसे टेंट वाले बताओ, ऐसे टेंट वाले कौन? दिल्ली वाले तो शहर में रहने वाले हुए, उसमें दुकान बनाने वाले जहां मंडप का हर तरह का अच्छे से अच्छा प्रबंध हो, ऐसा मंडप का सामान तैयार करने वाले, कौन हुए? एकदम रेन प्रूफ, जो उसमें पानी पड़े तो भी कोई हर्जा न रहे। कौन? अच्छा। पानी पड़े नुकसान ना हो तो कोई हर्जा तो नहीं, ये भी कर सकते हैं। देखो अभी भी मंडप करते हैं ना, अच्छा मंडप में बाबा जब यहां गए थे दिल्ली में तो उस समय ठंडी थी, तब भी मंडप पर जाकर के लेक्चर करते थे ना, उसमें मेजर की कोठी में, वाइनी की कोठी में माथुर की कोठी में, तीनों का नाम ले दिया। किसकी कोठी में? मिलिट्री मेजर की कोठी में, इनकी कोठी में, इनकी तरफ कहकर किसकी तरफ इशारा? और माथुर की कोठी में। माथुर शब्द का इसे बनता है मथुरा से, नाम माथुर बना। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण के जन्म के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। कहाँ जन्म हुआ? हाँ, मथुरा में जन्म हुआ। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। मथुरा का अर्थ क्या हुआ? हाँ, देह अभिमान मथा जाए, और माने जांग। तो मथुरा में जन्म हुआ। बाबा तो भाषण मंडप में करते थे ना, फिर वहां मंडप में ठंडी पड़ती थी क्या? कहां भाषण करते थे? दिल्ली में मंडप में भाषण करते थे। मौसम कैसा था?
ठंडी का मौसम, बेहद का ठंडी का मौसम क्या होता है? मंथन ना हो। जब बेहद ज्यादा ठंडी पड़ती है तो पुरुषार्थ सबका ठंडा हो जाता है, और ऐसे ठंडी के पुरुषार्थ में तड़ातड़ भाषण कौन करता है? ठंडी लगती है सो भाषण करता है, वो तो ठिठुर जाएगा। हाँ, ठंडी लगती तो सबको है। त्रिमूर्ति में भी एक मूर्ति है जो ऐसे बैठा हुआ कि बड़ा ठंडी लग रही है उसको। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति ठंडी लग रही है, वो तो आराम से बैठा हुआ है। शंकर ठंड में ठिठुर जैसे रहा है, नंगा भी है। नंगा माने आत्मिक स्टेज, देवान का नाम निशान नहीं, तो नहीं तो आत्मा को नंगा कैसे दिखाएं? कैसे दिखाएंगे? है देह रूपी कपड़ा जो है उसको ठिठुरते हुए दिखाई दिए। तो मंडप में ठंडी लगती थी क्या बाबा को? है वो स्थूल बाबा, ठंडी भी स्थूल मौसम, स्थूल मौसम की बात, और बेहद का बाबा भी है या नहीं है, तो कौन सी ठंडी की बात है? जहां सबका पुरुषार्थ ठंडा होता है और वो भाषण पर भाषण करते ही चला जाता है, कोई के ऊपर असर हो या न हो, वो भाषण करने से नहीं चूकता। वह कुछ भी इनको ठंडी लगती थी, कुछ भी नहीं। ठंडी के लिए तो कपड़े हैं ना गरम, क्या ठंडी के लिए क्या किया जाता है? गरम कपड़ा चाहिए। यहां वो तो भक्ति मार्ग के स्थूल ठंडी कपड़ों की बात हुई, यहां गरम कपड़े कौन से? नहीं, कपड़ा माने शरीर, ऐसा शरीर रूपी कपड़ा जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया है धनुष, क्या नानक चाप जहाज, ऐसे हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज, जे चढ़े उतरे पार नर, बूढ़े सकल संसार। ये शरीर रूपी वो वस्त्र है जो झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है, है विनाश हो रहा है, आत्माएं अपना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके जा रही है। किसकी याद में जा रही है? है है शिव की याद में जा रहे हैं। दुनिया की आत्माओं को, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो इतनी गहरी पुरुषार्थी होती हैं धर्म पिताओं को छोड़ करके, जो निराकार की याद में टिक सके। है निराकार की याद सहज है या साकार की याद सहज है? साकार की याद सहज है। तो उस साकार की याद में, माने उस कपड़े की याद में सारी दुनिया को गर्मी आ जाती है, क्या? और इस दुनिया में जो मूसलाधार बरसात होती है, बरसात के बाद ठंड पड़ती है कि नहीं? वो ठंडी के मौसम में भी सब ऊंची स्टेज में उड़ते हैं, लेकिन उन ऊंची स्टेज में उड़ने वालों को या उड़ाने वालों को कोई तो उड़ाने वाला है, कौन है? जो झाड़ के ऊपर दिखाया गया, तो दिखाया है उसको शिव का धनुष कहते हैं। राम ने क्या किया?
है शिव का ही धनुष को तोड़ दिया। शिव ने किसमें पहले पहले प्रत्यक्ष होकर के धनुष के रूप में पुरुषार्थ कराया है, प्रत्यक्ष होकर के ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा दधीचि ऋषि हुआ या नहीं हुआ? कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों से क्या बनाया गया? धनुष बनाया गया। तो ऐसे दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष जो इतना वज्र जैसा शस्त्र तैयार होता है, ऐसे धनुष को भी तोड़ दिया। किसने? राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। तो ऐसे मजबूत कपड़े जो ठंडी का एकदम मुकाबला कर सके, इसलिए आज भी यादगार में शंकर को कहां दिखाते हैं? कैलाश पर्वत पर, जहां हिमालय पर बहुत ही ठंडी रहती है। भक्तों ने पहाड़ दिखाई दिए है, पहाड़ की बात है क्या है? ऊंची स्टेज की बात है, और उस ऊंची स्टेज में ठंडी की बात है। हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे ठंडी बढ़ती जाती है, कम होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन ज्ञान सूर्य की याद में जो रहने वाला है उसको महसूस ठंडी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो ठंडी के लिए तो उसके शरीर रूपी वस्त्र याद में गर्मी देते हैं या नहीं देते हैं? तो वो पहना जाता है ठंडी से बचने के लिए। क्या याद में रहने वाला जो शरीर रूपी वस्त्र है वो ठंडी में पहनना चाहिए, तब ठंडी से बचाव होता है, आराम रहता है या नहीं? आराम देते हैं। सुनना है कानों से, क्या सुनना है कानों से, और बाप को आकर के मुख से बोलना है। कौन सा बाप है? शिव बाप आकर के, माने वो स्थाई यहीं रहता है या कहीं से आता है? आता है। तो बाप को आकर के मुख से बोलना है। तो ठंडी में क्या होता है? कोई हर्जा थोड़ा ही होता है। बाप को आकर के मुख से बोलना है, भविष्य की बात, पास्ट की बात या वर्तमान की बात? बोलना है। कहां की बात बताई? भविष्य की बात बताई। मुख से बोलना है, तो मुख से उस समय बोलने में ठंडी में क्या होता है? कोई हर्जा होता है? कोई हर्जा थोड़ा ही होता है। ये तो बल प्रदर्शनी है। कौन सी प्रदर्शनी की तरफ इशारा किया है? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी के लिए इशारा किया? ये तो बल प्रदर्शनी है, लेकिन जड़ चित्रों की प्रदर्शनी है? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी है क्या है? अरे जिस समय बाबा ब्रह्मा बाबा मौजूद थे, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी है। इनको ठंडी लगती है क्या? जड़ चित्रों को ठंडी लगती है क्या है? जड़ चित्रों को तो ठंडी की बात ही नहीं। तो कौन सी चित्रों की बात है? चैतन्य चित्रों की बात है। तो वो उस समय की बात है या भविष्य की है?
भविष्य के लिए इशारा दिया। कितने भी ये मंडप बना सकते हैं त्रिमूर्ति वाले, मंडप बनाने में क्या खर्चा होता है, हैं? ये हजार दो हजार, माने हजार दो हजार ऐसी आत्माएं तैयार की जाएं, तो वो मंडप तैयार हो जाए। और फिर भी अगर जाएं तो नहीं, इतने मंडप तैयार हो जाएं फिर भी कोई उसमें ना जाएं, देखने वाले कोई बहुत ही यहां असुर यज्ञ में विघ्न न डाले, मंडप में जाकर के कोई असुर हैं जो विघ्न भी डालते हैं ना, तो विघ्न न डाले, या कोई माचिस की तीली न लगा दे, चलो इन चित्रों को इंश्योरेंस करा दो, इन चित्रों को है? है? त्रिमूर्ति के चित्र तो जड़ चित्रों को या चैतन्य चित्रों को, जड़ चित्रों को इंश्योरेंस करा दो है, चैतन्य चित्रों को इंश्योर करा दो, वो जड़ चित्र जो है जिसका जड़ चित्र बना उसमें ब्रह्मा चैतन्य था या नहीं था, चैतन्य तो था लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाला था या चैतन्य बुद्धि था, है? तो देखो उसको इंश्योर करा सकते थे नहीं, उसके इंश्योर होने की तो बात ही ना, शरीर ही छोड़ दिया, इंश्योर कराए भी देते तो भी कोई फायदा, फायदा नहीं हो सकता है। इंश्योरेंस क्या कहा, ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, क्या जड़ चित्र चैतन्य चित्रों की तरफ इशारा कर रहे, हो सकता है इंश्योरेंस हो सकता है, एक चित्र या त्रिमूर्ति तीनों चित्र एक हो सकता है, तीनों चित्र नहीं है, हो सकता है। ये चैतन्य त्रिमूर्ति का चित्र इंश्योर हो सकता है, जिस्मानी गवर्नमेंट में इंश्योरेंस हो सकता है इंश्योर, या रूहानी गवर्नमेंट में हो सकता है, क्योंकि जिस्मानी गवर्नमेंट में इंश्योर करा लें तो कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि शरीर छूट जाए तो कोई मतलब ही नहीं इंश्योर कराने का, है? दुनिया में तो इंश्योर कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, इंश्योर कराया सफलता न मिली तो भी घर वालों को फायदा होता है, और यहां अगर ये इंश्योर कराया हुआ ब्रह्मा की तरह खेल खलास हो जाए तो उन ब्राह्मण परिवार वालों को फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, और दुनिया को भी कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी इंश्योर तो करा सकते हैं, माना दुनिया में तो इंश्योर कराने के बाद भी शरीर छोड़ देते हैं, और यहां है यहां ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर इंश्योर करा दिया तो क्या होगा, उससे शरीर छोड़ने की बात है ही नहीं।
हो सकता है इंश्योर। तो सर्विस तो करनी होती है ना बच्ची, युक्ति से क्या, और समझाना भी बहुत अच्छी तरह से है सबको। ये तीनों चित्र कौन कौन से तीनों चित्र, कौन सा ब्रह्मा, ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा तो चार है, इसके भी तो है, एक ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया है ना, और उसके साथ सहयोगिनी शक्ति भी शरीर छोड़ गई। चलो ठीक है, चलो एक ही हुआ, बाकी यहाँ तो तीन है, तीन मूर्तियां हैं, तीन मूर्तियों की इंश्योर होने की बात है। हाँ वही शंकर वाली आत्मा, वही एक ही मूर्ति, एक विष्णु है, ब्रह्मा की जगह जगदम्बा बाबा। हाँ जगदम्बा है ना, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो शरीर छोड़ने के बाद जिस स्त्री चोले में माता के रूप में प्रवेश करता है तो पूजा होती है या नहीं होती है, होती है। तो वो भी मूर्ति इंश्योर हो सकती है, और वो तो बोल दी पहले ही, वैष्णवी शक्ति, वो भी जिंदा रहेगी या खलास हो जाएगी। तो समझाना बहुत अच्छी तरह से है कि कौन कौन सी हो चैतन्य, तीन मूर्तियां हैं चैतन्य प्रदर्शनी में जिनको इंश्योर है, इंश्योर कराया जा सकता है। बाबा का परिचय देना है पूरा अच्छी तरह से, क्या कहा है, किसका परिचय, बाबा का परिचय, बाप का नहीं, बाप का क्यों नहीं, बाप तो निराकार है। हाँ वो तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, हम आत्माएं भाई भाई, और वो है बाप, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। दूसरे संबंध तो तब बनते हैं जब इस दुनिया में वो शरीर में प्रवेश करता है, तब अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। जैसा जैसा कर्म इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है वैसे वैसे संबंध बन जाते हैं। बाकी जब निराकारी ओरिजिनल स्टेज में है तो वो हमारा सिर्फ बाप है। तो बाबा की बात है, परिचय किसका देना है, पूरा परिचय देना है पूरी तरह से बाबा का। बाप का परिचय, मैं आत्मा, मुझे आत्मा का बाप है ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, तो मेरा बाप भी ज्योति बिंदु निराकार। बाकी पक्का आईडी प्रूफ हो गया क्या है, जाकर के ढूंढ सकेंगे नहीं, यहां तो पक्का आईडी प्रूफ चाहिए। तो अच्छी तरह से परिचय देना है, सो भी ऐसे नहीं कि बिंदी रख दी उसके ऊपर लाल लाइट का गोला चढ़ा दिया और ये शिव बाबा हो गया। इसको कहेंगे शिव बाबा, ये कोई शिव बाबा थोड़ा ही हुआ। हाँ नहीं, लाल लाइट के गोले के साथ बिंदु दिखाई तो वो लाल लाइट का गोला साकार की यादगार है। हाँ ऐसा साकार जिसको अपनी इंद्रियों का, नाक आंख कान टांग बाहें, इनका भान ही नहीं रहता, तो ऐसी स्टेज कैसे दिखाएं? है हाँ, किसी आदमी का बाहें काट दी जाए, टांगें काट दी जाए, सर उड़ा दिया जाए तो क्या रह जाएगा, लिंग ही तो जैसा रह जाएगा। तो वो जो स्वरूप है लिंग है, वो साकार की यादगार है निराकारी स्टेज की, क्या
उसको देह की इंद्रियों का भान नहीं है, वो देह के साथ रहता भी है, देहधारियों के साथ रहता भी है, लेकिन उनके संग का रंग उसको नहीं लगता। और धर्म पिताओं को, देहभानियों को संग का रंग लगता है तो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते हैं कि नहीं जन्म जन्मांतर? और वो नीचे नहीं गिरता। तो वो जो लिंग दिखाते हैं वो भी निराकार की यादगार है, साकार लिंगधारी की यादगार नहीं है। और वो भी निराकार कब बनता है? जब उसमें ज्योति बिंदु प्रवेश होता है। कौन सा ज्योति बिंदु? आत्माओं का बाप। तो बताया त्रिमूर्ति चित्र के द्वारा सबको बाप का, बाबा का चित्र परिचय देना है। ये जो चित्र है त्रिमूर्ति का, ये बड़ा अच्छा चित्र है। क्या? ये बड़ा अच्छा चित्र है ये त्रिमूर्ति का। माना बाबा के एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र और दूसरी तरफ बाजू में त्रिमूर्ति का चित्र। तो ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा, एकदम बढ़िया। इस त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया है एक तरफ में है नरक और एक तरफ में है स्वर्ग है? स्वर्ग किस तरफ है? दाई ओर। और नरक किस तरफ है? बाई ओर। त्रिमूर्ति में सिर्फ ज्योति बिंदु बीच में है, उसके बाई ओर नरक। जो बाई ओर नरक है उसका अर्थ क्या है? नर का, किसने का माने करना? नर माने मनुष्य। वो किसने किया? मनुष्यों ने किया। मनुष्यों की जो रचना है वो क्या है? नरक। उनमें खास खास मनुष्य कौन है जिन्होंने नरक बनाया इस सृष्टि को? अरे डर लगता है क्या? है दुर्योधन दुशासन तो सारे ही बैठे हुए हैं पुरुष। है वो पुरुष तो एकांत पाए करके शिव की शक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किए मानते ही नहीं, दुष्ट युद्ध करते हैं कि नहीं, दुष्ट शासन करते हैं कि नहीं, खींचा तानी का। तो दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले दुशासन दुर्योधन तो सभी है ना। चलो रामायण में रावण कह दिया, रावण संप्रदाय। महाभारत में कौरव संप्रदाय कह दिया दुर्योधन दुशासन को। है कहां की बात? है तो संगम युग की बातें है ना। तो जिस तरफ नरक दिखाया है उस नरक का कंट्रोलर कौन दिखाया है? नरक का कंट्रोलर मनुष्य होगा या नहीं होगा? है मनुष्य होगा। जो मनुष्य होगा वो मनुष्य विकारी होगा, विषपाई होगा या निर्विष होगा? विषपाई होगा, नीलकंठ कहा जाता है। तो इतना विकारी है
कि दुनिया का जितना भी विषय विकार है वो सारा पाई पी जाने वाला है। तो पी ही जाता है या पचा भी जाता है? पचा भी जाता है, पीता भी है और पचाता भी है। तो क्या जो भी पतित हैं, विषयी विकारी हैं, उनको पावन बनाने वाला है? उनके द्वारा पावन है, जो विकारी हैं उनके द्वारा पावन बनने वाला है। उसी के तारे उनका विनाश करने वाले। हाँ, बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या वो दोनों ही दुनिया का अधिपति है, देवताओं का भी अधिपति महादेव और विकारी दुनिया जो है रावण संप्रदाय, उस रावण संप्रदाय की दुनिया में भी राम आखरीन क्या बनता है? रावण बनता है। तो रावण संप्रदाय का भी बाप है या नहीं है? भक्ति मार्ग में वो नागेश्वर भी कहते हैं, नागोगेश्वर। नाग तो उसके गले में लिपटा हुआ है, सर पर बैठा हुआ है, दोनों भुजाओं में लिपटा हुआ है, कमर में भी लिपटा हुआ है, पांचों विकारों के रूप में वो सांप दिखाए जाते हैं। उन सांपों का भी ईश्वर है। ईश्वर माने ईश माने शासक, कंट्रोलर है। उसको भागवत में सर्प के फण के ऊपर डांस करते हुए दिखाते हैं। कहते हैं यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, काले विष से भरपूर। उस कालिया नाग को भी नाथने वाला तो नागेश्वर हुआ ना। तो बताया एक तरफ में त्रिमूर्ति के नरक दिखाते हैं, उस नरक का अधिपति दिखाया है, कंट्रोलर दिखाया है। कैसा कंट्रोलर? अगर वो दुनिया उसके कंट्रोल में चलती है, जो विश्व पिता बनता है, विश्व का मालिक बनता है कि नहीं? हर हर विश्वना हर हर गंगे में क्या कहते हैं, हर हर हाँ महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो योग बल से विश्व की बात चाहिए पाता है। विश्व कोई स्वर्ग को नहीं कहा जाता, सिर्फ स्वर्ग को ही विश्व कहा जाता है क्या? नहीं, नहीं? स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही होता है, विश्व कहाँ होता है? विश्व धर्म कहाँ होते हैं? ये तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो बताया वो सारे नरक का नरक वासियों का अधिपति है, विश्व का मालिक है। वो जैसे चलाना चाहता है वैसे चलते हैं तो ठीक, और नहीं चलते हैं तो सब का विनाश करा देता। बाबा ने बोला भी है बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अरे इतना गुस्सा काय के लिए करते हैं? कौन करता है गुस्सा? कौन सी आत्मा गुस्सा करती है? शिववाली, शिववाली आत्मा को तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। हाँ, तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी तो ब्रह्मा है ना। तो ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है कि बहुत तंग करेंगे तो विनाश कराए दूंगा। ये विश्वनाथ के वचन है। तो एक तरफ में है स्वर्ग, किस तरफ? जो स्वस्थिति में रहने वाले हैं उस तरफ स्वर्ग।
सदैव 21 जन्मों में सतयुग त्रेता में स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा कौन है? शंकर नाम विष्णु नाम और ये ब्रह्मा नाम कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। लेकिन संगम युग में ब्रह्मा और शंकर तो हो सकता है, लेकिन सतयुग त्रेता में क्या शंकर का नाम सुना? वहाँ शंकर की दरकार है नहीं? नारायण भी कंबाइंड, तब क्या कहा जाता है? कंबाइंड नारायण को क्या कहेंगे? विष्णु। एक है तो क्यों नहीं विष्णु कहेंगे? क्योंकि स्त्री पुरुष इकट्ठे हों और इकट्ठे रह करके भी पवित्र रहें तो कहेंगे विष्णु। अलग अलग हैं तो कौन कहेगा विष्णु? सन्यासी अलग अलग रहते हैं तो इनको विष्णु पद प्राप्त हो सकता है नहीं? ओम शांति।